ओके, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। आज आपको हम टैली ईआरपी 9 के अंदर गोडाउन कैसे फॉलो करते हैं ऑप्शंस के, या कैसे इसको, इसके लेज़र कैसे, वाउचर कैसे, इन्वेंट्री और गोडाउन का लेज़र कैसे बनाते हैं, ये सिखाने जा रहे हैं। गोदाम के बारे में अगर बात की जाए तो जैसे मेरे पास 4 गोदाम हैं, 3 गोदाम हैं या 2 गोदाम हैं, इसका एक हेड क्वार्टर भी इसका होता है कि हम इस हेड क्वार्टर से 3 गोदाम ऑपरेट कर रहे हैं। तो मान लिया जब हम कस्टमर में पाता है तो किस गोदाम से हम सामान मंगवाया जाए, उसमें उस गोदाम में मेरा किस क्वालिटी का सामान रखा हुआ है, तो ये इसमें दर्शाया गया है। तो हम इसको पढ़ने के लिए पहले हमें टैली ईआरपी 9 मैंने खोला, इट्स टैली ईआरपी 9, पहले कंपनी क्रिएट करा मैंने, कंपनी इंफॉर्मेशन, क्रिएट कंपनी। मेरे पास हमारी छात्रा सफिया खातून, एस ए सफिया खातून, खातून माने औरत होता है। ये पढ़ रही गोडाउन, गो डी ओ डब्ल्यू एन, गोडाउन पढ़ रही है। ये मोहल्ला पटिया सेक्सराय में रहते हैं। इनका एड्रेस उत्तर प्रदेश इंडिया, यू दबाया उत्तर प्रदेश, पिन कोड 261001 इंटर। इनका फ़ोन नंबर यानी मेरा फ़ोन नंबर 9415-78-57-02। ये गोडाउन का जो एड्रेस रहता है या जो मेन जो हमारा हेडक्वार्टर है उसका एड्रेस है, ये हम डाल लें इसको, और इस पूरी कंपनी को उसको मैंने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से हमारी गोडाउन नाम की कंपनी बन गई। इसके बाद हम F11 दबाएंगे, F11 फॉर फीचर्स, फीचर्स माने विशेषताएँ। इसके अंदर हम इन्वेंट्री फीचर्स पे जाएंगे इसके अंदर, और हम इस पर इंटर मार देंगे, इन्वेंट्री फीचर्स इंटर। एंड सफिया नाम की कंपनी पे हमको गोडाउन ऑप्शन एक्टिव करना है, एंड यस, इसमें जहाँ कहीं गोडाउन लिखा हो, इट इज़ ए गोडाउन, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोर एंड क्लासिफिकेशन, यहाँ पास में हमने यस, एंड अगेन यस, एंड यस। इसमें जहाँ वहाँ इसमें यस कर रहे हैं गोडाउन के अंदर, यस, ऐसा करने के बाद में इसको पूरा स्वीकार कर लेंगे। हमने इसको पूरा स्वीकार कर लिया, उसके बाद हम उसको लेज़र बनाना शुरू करेंगे। अकाउंट इन्फो, लेज़र क्रिएट, लेज़र बनाएंगे परचेज का, PURCHASE, परचेज अंडर परचेज में जाता है, मुझे आ गया, एंड सेल अंडर सेल के जाता है, मुझे इसमें आ गया। दो लेज़र हमारे क्रिएट हो चुके हैं, फिर हम बाहर निकल आते हैं, इन्वेंट्री फीचर्स से पहुंचेंगे, क्योंकि हमने गोडाउन ऑप्शन यस किया है तो उसके बाद गोडाउन ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा। तो पहले हम गोडाउन में ही जाएंगे, गोडाउन में गए, हमने अपने मेन हेडक्वार्टर का नाम लिखा, मान लीजिए मेन मेरा है पर लिखा MAIN मेन, फिर दोस्त कंप्यूटर मान लीजिए मेन मान रहे हैं, FIR DOUS फिरदौस कंप्यूटर, ये मेरा मेन हेडक्वार्टर है, और इसको हमने स्वीकार कर लिया। ओके, एक हमने और अपना या दो और दिखाया अपने गोडाउन, ये तो मेरा मेन हेडक्वार्टर, मेरा ऑफिस हो गया। मैंने एक मोहल्ला कोर्ट का एक गोडाउन दिखाया, तो मतलब कोर्ट सीतापुर, एक मैंने पटिया, मेरे आसपास मोहल्ला है पटिया सीतापुर, यानी दो हमने गोडाउन की ऑफिस अपने दिखा दिए। मैंने बाहर निकला है, इसके बाद हम इसी कैटेगरी पे जाते हैं, नंबर 2 स्टेप पे कैटेगरी पे जाएंगे। कैटेगरी पे गए, हमें ये समझना है कि जो बेन में हम किस तरह का जो है अपना सामान रखते हैं, बेस्ट क्वालिटी का सामान जो हम रखते हैं, क्वालिटी, ये हम मेन में माले रखते हैं। फिर बेस्ट के बाद मतलब पुअर क्वालिटी का सामान भी हम रखते हैं, मान लीजिए, या मीडियम क्वालिटी भी आप कह सकते हो, पुअर से बेहतर है मीडियम, मीडियम क्वालिटी, एंड एक बिगेस्ट क्वालिटी भी होता है या बेस्ट क्वालिटी भी होता है, और या का चाहे कुछ और नाम चाहें तो चीप क्वालिटी भी हम
ला सकते हैं। तो ये कैटेगरी के अंदर हमने ये सारी कैटेगरियां भर दिया। तो पहले हम गोडाउन में तीन गोदाम के नाम लिखे थे मैंने इसके अंदर, और फिर हम कैटेगरी में पहुंचे हैं। अब हम पहुंचे हैं यूनिट ऑफ मेजर, जो इससे पहले हम इन्वेंट्री पढ़ा चुके हैं। यूनिट ऑफ मेजर इसमें हम केजी, अब हम केजी भी कह सकते हैं इसमें, किलोग्राम्स स्वीकार कर लिया, ये पहले से पहले पढ़ चुके हैं इन्वेंट्री में। फिर ग्रुप अनाज आइटम, आइटम जब पहुंचेंगे तो मैंने यहाँ पास मान लीजिए अरहर लिखा। अरहर जो है वो इसकी, हम ये अनाज का हिस्सा दिखा रहे हैं, और इसकी क्वालिटी जो है हम बेस्ट भी मान सकते हैं, अरहर की बेस्ट केजी मिलता है, स्वीकार कर लिया इसको। इसके बाद एक होती है उरद की, URAD उरद, उरद ये भी अनाज का हिस्सा है, और मान लीजिए ये मीडियम क्वालिटी की हमको मिल रही है। एक दाल होती है मूंग की होती है, हम उसको टाइप करने जा रहे हैं मूंग, इसको हम अनाज का हिस्सा है और चिप क्वालिटी केजी हमने दर्शा दिया, इतना इसके लेजर्स बन गए हैं। उसके बाद हम इसके वाउचर्स में पहुंचते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स में, वाउचर में गए हमने F9 दबाया। F9 क्यों? क्योंकि पहले हम परचेज करेंगे, उसी के बाद ही हम सेल कर पाएंगे। परचेज दबाया मैंने इसको, और हमने इसको स्वीकार कर रहे हैं, इसको हम परचेज किया अरहर। हम ये जब अरहर ले रहे हैं तो गोडाउन कौन सा, तो हमने जो बेस्ट क्वालिटी गोडाउन दे रखा है फिरदौस कंप्यूटर से या मोहल्ला कोर्ट से, या इसका लोकेशन पूछ रहा है पटिया से, ये सारे लोकेशन दे रखे हैं। तो मान लीजिए फिरदौस कंप्यूटर से मेन में इसको डालना है, इसको हम इसमें क्वालिटी कौन सी मान लें बेस्ट क्वालिटी, क्वांटिटी मान लीजिए हमने 100 किलो लिया, और रेट हमारा जो ले रहे हैं वो 80 रुपये किलो मान लिया हम ले रहे हैं अरहर, तो मेरे 800 रुपये खर्च हो रहे हैं 100 किलो का ले रहे हैं, इसको स्वीकार कर लिया हमने, इसको स्वीकार हो गया। अब बेचा, या अगर यहीं पर हम समझना चाहें कि जो मेरे पास किस गोदाम में सामान आया हुआ है देखना है, तो हम इसको थोड़ा सा इसी के अंदर रहते हैं, और इसमें एक ऑप्शन दे रखा था स्टॉक क्वेरी। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो परचेज मैंने अभी किया है वो कैश में लिया है 100 केजी और 80 रुपए में, तो मेरे 800 रुपए खर्च हो रहे हैं, और ये हमारे किस गोदाम में गया है, तो वो गोदाम बेस्ट क्वालिटी गोदाम में गया है। इस पर हम इस पर इंटर मारते हैं, तो परचेज किया था मैंने इस रेट के ऊपर, और इंटर मारा और इंटर मारा, तो हमारी क्वालिटीज़ के बारे में भी ये खोल देगा कि आप किस क्वालिटीज़ में जाते हैं। फिलहाल अभी इसको हम वापस दिखाते हैं, पहले हम इसको बेचने का आपको रवैया दिखाएं। मैंने बेचा अरहर, तो जो 100 किलो लाए थे 80 रुपए में लाए थे, तो अब मैंने जो अरहर को वही बेचा 80 के 100 किलो हैं 80 में लाए। इस बार हमने वो गोदाम वही फिरदौस कंप्यूटर वाले में जो 100 लाए थे उसी से बेचने जा रहे हैं। इस बार मैंने 90 केजी बेचा, हम लाए थे 80 में, बेच रहे हैं 100 में, हम 20 रुपये लाभ उठा रहे हैं, यानी 20 का पढ़ा 90 बार पढ़ना है, 9 × 9 = 9, 9 × 2 = 18, 180 रुपये, यानी 1800 रुपये फ़ायदा मेरा इसका इस समय यहाँ पास हो रहा है, स्वीकार कर लें 180 रुपये वहाँ निकल आए। प्रॉफिट चेक कर लेंगे तो हमारा प्रॉफिट 1800 रुपये शो कर रहा है 180, यानी हमने दो मतलब कि लाए थे हम 80 में, बेचा हमने 100 में, यानी 20 से फ़ायदा, और हम बेच रहे हैं 90 केजीस, तो 9 × 2 = 18 सही है। आज हमारे गोदाम में सामान कितना बचा है, तो इसकी भी क्वेरी हम यहीं पास से कर लेंगे कि अब 10 केजी को 90 केजी बेचा है, 10 केजी 80 के अनुसार रखा हुआ है, तो अगर हम आइंदा का बेचना चाहेंगे फिर से हम उसकी वाउचर में जाते हैं, तो फिरदौस कंप्यूटर में शो करेगा
बेचा फिर से कि वो अब आपके पास फिरदौस कंप्यूटर में रह गया है 10 kg। अरहर 10 शो कर रहा है कोने में, 10 शो कर रहा है। और हमने इसमें अब फिरदौस लिखेंगे तो फिरदौस कंप्यूटर में, तो ये मेरे गोडाउन की भी शो किया करेंगे कि किस गोदाम में अपना कितना सामान है। हमने किसी भी और गोदाम से नहीं खरीदा है तो इसका नाम नहीं शो कर रहे हैं। जब हम सब गोदाम से खरीद लेंगे तो हम इसको जो है वहाँ पास में सब नाम शो करेंगे। ओके, तो ये था गोदाम और इसको देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।